आज इंडियन मार्केट में कई तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 लाख रुपए के रेंज में है और कुछ 80,000 के रेंज में आते हैं। ये सिर्फ स्कूटर ही तो है, तो रेट में इतना डिफरेंस क्यों? ड्राइव सिस्टम के कारण। जी हाँ, ड्राइव सिस्टम की वजह से रेट में ये फर्क आता है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर के दो प्रमुख ड्राइव सिस्टम के बारे में, मिड ड्राइव और हब ड्राइव, और ड्राइव सिस्टम के परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस, हैंडलिंग और कॉस्टिंग के बारे में जानेंगे। अगर आपने ऑटोजिनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी हब ड्राइव और मिड ड्राइव की जानकारी पहुंच जाए। इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बहुत ही अच्छी और पर्यावरण के अनुकूल गाड़ी है और इनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ बैटरी से चलती है। लेकिन स्कूटर को चलाने के लिए मोटर की पावर की जरूरत होती है। इसी पावर को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में दो प्रकार के ड्राइव सिस्टम का उपयोग होता है। पहला है मिड ड्राइव और दूसरा हब ड्राइव। आइए सबसे पहले मिड ड्राइव सिस्टम के बारे में जानते हैं। मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं मिड ड्राइव के मेंटेनेंस के बारे में। आपकी स्कूटर की मिड ड्राइव मोटर को रखरखाव और सर्विस को बेहद आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के किसी भी अन्य पहलू को प्रभावित किए बिना बस दो विशेष बोल्ट निकालकर पूरी मोटर असेंबली को हटा और बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी नॉर्मल वर्कशॉप में समस्या का निवारण और मरम्मत आसानी से हो सकती है। हैंडलिंग। मिड ड्राइव मोटर स्कूटर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के करीब और जमीन के नीचे स्थित होता है। ये वजन को बेहतर तरीके से वितरित करके आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की समग्र हैंडलिंग में सुधार करने में मदद करता है। मिड ड्राइव मोटर वाले स्कूटर आपको पेट्रोल वाले नॉर्मल स्कूटर के जैसा ही हैंडलिंग कंफर्ट देते हैं। कॉस्टिंग। मिड ड्राइव मोटर वाले स्कूटर हब ड्राइव की तुलना में ज्यादा कॉस्टली होते हैं। क्या आपने कभी मिड ड्राइव वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर की ड्राइव ली है? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव के बारे में जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं हब ड्राइव सिस्टम की। हब ड्राइव सिस्टम स्कूटर के रियर व्हील के अंदर लगा है। परफॉर्मेंस। हब ड्राइव के परफॉर्मेंस की लिमिटेशन होती है। इसमें एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा टार्क आपको नहीं मिलता है। बाहर ज्यादा स्टीप चढ़ाई पर हब ड्राइव नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि मिड ड्राइव की तरह इसमें एक्स्ट्रा गियर बॉक्स नहीं होता है जो आपको हाई टार्क देता हो। प्लेन रोड पर हब ड्राइव की परफॉर्मेंस मिड ड्राइव के जैसे ही मिलती है। मेंटेनेंस। हब ड्राइव का मेंटेनेंस काफी आसान होता है। हब ड्राइव सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें चेन या बेल्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होती है। लेकिन ये सिस्टम स्कूटर की स्पीड और टॉर्क को बढ़ाने में मिड ड्राइव सिस्टम से थोड़ा कम है। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको रियर टायर का पंक्चर बनवाना होता है। रियर व्हील को उतारकर एक फ्लैट टायर को बदलना अधिक जटिल प्रयास बन जाते हैं। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्कूटर को पानी से भरी हुई रोड से निकलते हैं, तो सीलिंग वीक होने के कारण पानी जाने से हब मोटर के खराब होने का डर रहता है और उसको रिपेयर करवाने का खर्च अधिक हो सकता है। हैंडलिंग। हब ड्राइव मोटर स्कूटर के रियर व्हील में रहता है, जिसके कारण होल्डिंग बहुत ही इजी हो जाती है। ये वजन को बेहतर तरीके से वितरित करके आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की समग्र हैंडलिंग में बेहतर करने में मदद करता है। कॉस्टिंग। हब ड्राइव मोटर वाले स्कूटर मिड ड्राइव की तुलना में सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें गियर बॉक्स और बेल्ट नहीं होती है। अगर आप ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी एडवांस लर्निंग के लिए उडमी सर्टिफाइड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है, जो कि हिंदी भाषा में है, जिसमें ऑन डिमांड वीडियो फॉर्मेट में 80 लेक्चर है, जिसका टाइम 6 घंटे है। इसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर के 211 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। आसानी से समझने के लिए पूरे कोर्स को 3 पार्ट बॉडी, इंजन और इलेक्ट्रिकल में रखा गया है। साथ ही 3 बोनस लेक्चर भी है, और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको उडमी से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए UDEMY के इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखें। दोनों में से किसको चुने? दोनों ही ड्राइव सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आपको स्कूटर के लिए ज्यादा स्पीड और टॉर्क चाहिए तो मिड ड्राइव सिस्टम आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर आपको मेंटेनेंस कॉस्ट से बचना है तो हब ड्राइव सिस्टम आपके लिए सही होगा। इन दोनों सिस्टम्स के बीच में प्राइस में भी काफी डिफरेंस है। मिड ड्राइव सिस्टम थोड़ा महंगा होता है, जबकि हब ड्राइव सिस्टम थोड़ा सस्ता होता है। तो ये था इलेक्ट्रिक स्कूटर के मिड ड्राइव सिस्टम और हब ड्राइव सिस्टम के बारे में।
उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमें जरूर दें, जिससे कि हम और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाते रहें।